अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज क्लियर है सबको? जी आ रही है आवाज। स्क्रीन शेयर हो गई सर? जी जी शेयर हो गई। सही, मेरे ख्याल से टाइम तो हो गया, हम स्टार्ट करते हैं इसको। सही, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एमक्यू और अपाचे की तरफ से है ये, और हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे कि हम इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है हमें, किन सिचुएशन में और किन एप्लीकेशंस में, और एक्टिव एमक्यू एक्चुअली है क्या, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और इस पे हम इसके यूज केसेस देख लेंगे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, और इसमें बेनिफिट्स क्या हैं इसको यूज करने के, और फिर हम इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे कि ये चल रही कैसे रही होती है। ठीक है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है एक्टिव एम क्यू की, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कहाँ हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो कुछ कंपनीज होती हैं जिनके सिस्टम्स और एप्लीकेशन जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत वाइड होते हैं, और उन एप्लीकेशंस को अपना डेटा आपस में एक दूसरे को सेंड करना होता है। तो उस केस में हम जो है चाहते ये हैं कि जो एप्लीकेशन अपने आपस में डेटा जो शेयर कर रही है वो लॉस ना हो, तो उस चीज पे, और ये भी चाहते हैं हम लोग कि जो डेटा जो एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन भेज रही है वो एफिशिएंटली और रिलायबल तौर पे जो है वो एप्लीकेशन आपस में शेयर कर लें और बीच में कोई लॉस ना हो। तो अगर वो सिंक्रोनसली आपस में डेटा शेयर करेंगी कोई भी एप्लीकेशन या सिस्टम जो है, तो वो उसमें चांस है कि डेटा हमारे पास लॉस हो जाए। उसकी वजह ये कि ऐसे लॉस हो सकता है कि फॉर सपोज किसी एप्लीकेशन ने डेटा सेंड किया सेकंड एप्लीकेशन को, और उस वक्त सेकंड एप्लीकेशन जो थी जिसने डेटा रिसीव करना था वो फॉर सपोज बंद थी उस वक्त, या क्रैश हुई हुई थी, या उसका डाउन टाइम था। तो इस सिचुएशन में हम जो है हम एक्टिव एमक्यू को यूज कर सकते हैं, और हमें इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है वो मैसेज ब्रोकर की पड़ती है। तो ये क्या होता है मैसेज ब्रोकर, इसको हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, एक्टिव एमक्यू है क्या? ये एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है जो कि अपाचे ने बनाया है, और ये जो है एप्लीकेशंस के बीच में एज अ मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर काम कर रहा होता है। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि एक एप्लीकेशन इसको डेटा भेजेगी ये अपने पास रखेगा और दूसरी एप्लीकेशन इससे डेटा ले रही होगी। तो इसको जो है हम मैसेज ब्रोकर कहते हैं। तो इसका फायदा हमें ये है कि ये एप्लीकेशंस के बीच में जो डेटा शेयरिंग है उसको एसिंक्रोनस कर देता है, क्योंकि हम जो है जो सेंडिंग जो फॉर सपोज जो भी मैसेज क्रिएट कर रही है एप्लीकेशन, तो उसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे। तो वो मैसेज भेज के वो ब्रोकर को मैसेज भेज के अपना काम आगे प्रोसेस कर सकती है, और वो ये नहीं देख रही होगी कि कंज्यूमर जो था वो एक्टिव भी था अलाइव भी था उस टाइम पे जिस टाइम पे इसने इसने प्रोड्यूसर ने मैसेज क्रिएट किया। तो ये चीज जो है ना डीकपल हो गई कम्युनिकेशन अगर आप देखें। तो अब फिर ये है कि अगर कंज्यूमर उस वक्त ऑनलाइन था, जो क्लाइंट था सेकेंड एप्लीकेशन थी फॉर सपोज वो ऑनलाइन थी, तो वो तो फॉरन कंज्यूम कर लेगी, और अगर वो ऑफलाइन थी फॉर एनी रीजन तो वो जब भी ऑनलाइन आएगी तो मैसेज ब्रोकर के थ्रू वो अपना मैसेज रिसीव करेगी, कंज्यूम करेगी, और देन वो उसको प्रोसेस कर लेगी। तो हमने जो है इस प्रोसेस को एक्टिव एमक्यू जो है वो एसिंक्रोनस बना रहा है, यानी कि मिडलवेयर का जो वो एक करेक्टर प्ले कर रहा है, उस वजह से हमारे पास मैसेज लॉस होने के चांसेस भी खत्म हो गए, और जो है डेटा की जो डिलीवरी है वो भी हमारे पास रिलायबल तरीके से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एक्टिव एमक्यू के, जिसमें क्यू है हमारे पास, और टॉपिक्स हैं, और प्रोड्यूसर पब्लिशर होता है, कंज्यूमर सब्सक्राइबर्स होते हैं, और ऑफ कोर्स मैसेज इटसेल्फ जो कि हमने भेजना होता है वो होता है, और मैसेज की परसिस्टेंस होती है। ये मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। क्यू जो है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट शेयरिंग के लिए यूज होती है, जैसे कि मैं इधर दिखाता हूँ कि जब
एक किसी ने फॉर सपोज मुझे बात करनी है, हमारी टीम होते हैं आसान, तो मुझे उनसे बात करनी है, तो मैं आसान से अगर बात करूंगा तो मैं प्रोड्यूसर कहलाऊंगा, मैं एक मैसेज क्रिएट करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा और क्यू में वो जाके ऐड हो जाएगा। अब हसान जब भी ऑनलाइन होंगे या उस वक्त होंगे या बाद में होंगे, तो हसान उस क्यू में से देखेंगे कि मैसेज आया हुआ है या नहीं, और वो उसे जब ऑनलाइन होंगे कंज्यूम कर लेंगे। तो क्यू में मैसेजेस आते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट शेयरिंग के लिए होते हैं, यानी वन टू वन जो है ना आपस में शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह टॉपिक जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर हम डिजिटल डिविडेंड की एग्जांपल लें, तो हमें एचआर ऐप से ईमेल आती है कि कभी कभी सबको आती है ईमेल, जैसे कोई भी अनाउंसमेंट होती है, कोई भी नोटिफिकेशन होती है, तो एचआर ऐप के थ्रू वो सबको ब्रॉडकास्ट होती है। तो टॉपिक भी कुछ इसी तरह का काम कर रहा होता है कि टॉपिक पे जो भी पब्लिशर होता है एक टॉपिक पे मैसेज पब्लिश करता है, और जो भी उस टॉपिक के सब्सक्राइबर्स होते हैं उस को वो उनको वो मैसेज रिसीव हो जाता है। तो टॉपिक क्यू और टॉपिक में जो बेसिक डिफरेंस ये है, अगर आप यहाँ पे देखें तो टॉपिक की ये है कि पब्लिशर जो भी मैसेज पब्लिश करेगा तो वो सारे जो भी उसके सब्सक्राइबर्स होंगे वो मैसेज उन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसमें ये तो डिफरेंस हो गया क्यू और टॉपिक का। अच्छा, इसमें प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर किसको कहेंगे कि जब पी टू पी शेयरिंग हो रही होगी पॉइंट टू पॉइंट यानी क्यू के थ्रू, जो मैसेज क्रिएटर जो होगा उसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे, और अगर टॉपिक के केस में हो रहा होगा यानी मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा तो हम उसको जो भी मैसेज क्रिएटर होगा हम उसको पब्लिशर कहते हैं। इसी तरह क्यू के केस में जो भी कंज्यूम 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 कर रहा होगा मैसेज तो उसको हम कंज्यूमर कहते हैं, और टॉपिक के केस में जितने भी जैसे कि ये इसमें तीन सब्सक्राइबर्स हैं तो जो भी मैसेज सब्सक्राइब किए हुए होंगे उन्हें हम सब्सक्राइबर्स कहते हैं। अच्छा, जो हमारे पास टॉपिक है उसके अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, एक होते हैं ड्यूरेबल ड्यूरेबल जो होते हैं हमारे पास सब्सक्राइबर्स होते हैं, ड्यूरेबल टॉपिक सब्सक्राइबर्स और नॉन ड्यूरेबल टॉपिक सब्सक्राइबर्स। तो फॉर सपोज अगर किसी ने मैसेज पब्लिश किया है और ये जो फॉर सपोज ये तीन सब्सक्राइबर्स हैं, इनमें से एक नॉन ड्यूरेबल था और दो ड्यूरेबल थे, और फर्स्ट कर लें जो फर्स्ट है ये ड्यूरेबल है और फर्स्ट और सेकंड ड्यूरेबल है, लास्ट वाला जो है नॉन ड्यूरेबल। तो जब कोई भी पब्लिशर टॉपिक को पे मैसेज पब्लिश करेगा तो जो फर्स्ट दो हैं अगर वो ऑफलाइन भी थे तो उनका मैसेज जो है वो परसिस्ट करेगा और वो लॉस नहीं होगा, तो जब भी वो एक्टिव होंगे वो उनको डिलीवर हो जाएंगे। और फॉर नॉन ड्यूरेबल सब्सक्राइबर अगर वो ऑफलाइन था तो वो मैसेज उसका लॉस हो जाएगा। तो ये भी सब्सक्राइबर्स की जो है ना टॉपिक में दो टाइप्स होती हैं, नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल, तो ये उनके डिफरेंसेस हैं। इसके बाद मैसेज इटसेल्फ है कि मैसेज में क्या क्या चीजें होती हैं, हेडर होती है, प्रॉपर्टीज और बॉडी होती है, जिसमें हेडर और बॉडी जो है हमारे पास, ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा अभी कि किस तरह के हमारे पास हेडर्स में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हेडर और बॉडी जो है वो कंपलसरी होती है, यानी ये किसी भी मैसेज में जरूरी होनी चाहिए, और प्रॉपर्टीज ऑप्शनल होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कोई भी मैसेज क्लाइंट का डेटा, जैसे हमने इम्प्लॉयज का डेटा किसी को सेंड करना है, अब मुझे 10 इम्प्लॉयज का डेटा भेजना है किसी और को, तो उसके अंदर जो है मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई इस इम्प्लॉय की डेजिग्नेशन पांच फॉर सपोज 5 इम्प्लॉयज की डेजिग्नेशन जो है हमारे पास वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और एल्स जो बाकी हैं उनमें से कुछ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अलग अलग डेजिग्नेशन है। तो जो भी कंज्यूम करेगा इसको मैसेज वो प्रॉपर्टी पे जो है सेलेक्टर लगा सकता है कि हमारे पास इन प्रॉपर्टीज में अगर उसको 10 इम्प्लॉय में से सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का डेटा चाहिए तो वो उस पर सेलेक्टर लगा सकता है, क्वेरी कर सकता है। इसी तरह हमारे पास हेडर में जो है वो सॉरी हेडर में जो है हमारे पास वो कुछ चीजें डिफाइन होती हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा अभी, जैसे कि मैसेज परसिस्टेंसी डिफाइन होती है, और जो भी मैसेज जा रहा है उसका रिप्लाई किस क्यू पे करना है ये चीज भी डिफाइन होती है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें जो हम डिफाइन करते हैं। और बॉडी में एक्चुअल मैसेज जो भी आपको भेजना है वो आप बॉडी में डाल के भेज सकते हैं। अच्छा, मैसेज परसिस्टेंस का मतलब क्या है, ये एक्टिव एमक्यू में मैसेज परसिस्टेंस भी होती है चीज। बाय डिफॉल्ट जो भी मैसेज आप भेजते हैं क्यू पे
एक्टिव एमक्यू में जो भी मैसेज पब्लिशर या प्रोड्यूसर क्रिएट करता है या पब्लिश करता है, वो मैसेज स्टे करता है, उसको कहते हैं मैसेज परसिस्टेंस। बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होती है इसकी वैल्यू, कि जो भी मैसेज भेजा आपने वो उसके पास रहेगा और वो परसिस्टेंट में स्टोरेज में जाके सेव हो जाता है। इसका मतलब ये कि अगर अगर फॉर सपोज मैसेज ब्रोकर इटसेल्फ यानी कि एक्टिव एमक्यू इटसेल्फ अगर डाउन हो जाता है और फिर बाद में वो जब ऑन होगा अप होगा वो, तो वो मैसेज परसिस्ट कर रहे होंगे स्टोरेज के अंदर, वो लॉस नहीं होंगे, तो इस चीज को जो है ना मैसेज परसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ यूज केसेस हैं कि हम जो है इनको कहाँ पर यूज कर सकते हैं एक्टिव एमक्यू को, कि कुछ वेब पोर्टल्स ऐसे होते हैं जैसे कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनमें मॉड्यूल्स चल रहे होते हैं अलग अलग, जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लें तो एचआर एम्प्लॉय की जो एप्लीकेशन होती है, एचआर एप्स टाइप की जो होती है। अब फॉर सपोज किसी एम्प्लॉय ने कोई चीज जो है वो डेटा पोस्ट किया क्यू के अंदर, तो वो डिपार्टमेंट का जो कंज्यूमर था उसने कंज्यूम किया, फॉर सपोज उसने कुछ प्रोसेसिंग की उस पे, और उसने फिर दोबारा एक नई क्यू एचआर की क्यू में उसको पुश कर दिया, तो फिर एचआर ने उसको पुल किया वहां से और उस पे कुछ प्रोसेसिंग की। तो हम इन जो जहाँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स पे काम हो रहा होता है, हम वहां पर एक्टिव एमक्यू को यूज कर सकते हैं ताकि मैसेजिंग और डेटा ट्रांसफर एसिंक्रोनस हो जाए और इसमें हमारे पास डेटा लॉस के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसी तरह जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग के सिस्टम्स होते हैं, कि जैसे हमारे पास फॉर सपोज दराज है, इस तरह इसमें बहुत सारे रैपिडली ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो उसमें भी हम इस टाइप इस चीज को हम यूज कर सकते हैं कि एक मॉड्यूल ने डेटा जो है कस्टमर से रिसीव किया और उसने उसको जो है क्यू में डाला, और फॉर सपोज उस ऑर्डर पे कुछ प्रोसेसिंग होनी थी, उस मॉड्यूल ने एक नेक्स्ट मॉड्यूल ने ऑर्डर प्रोसेस करना था, उसने उस क्यू से निकाल के कुछ प्रोसेसिंग की और उसने प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट मॉड्यूल को भेज दिया। लेट्स से नेक्स्ट मॉड्यूल जो है हमारे पास वो शिपिंग का मॉड्यूल है, तो उसने वो मैसेज को उस डेटा को निकाल के कुछ प्रोसेसिंग की और सो ऑन मॉड्यूल्स टू मॉड्यूल्स जो है हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हम इसमें हैंडल कर सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास यूज केस है वो आईओटी मैसेजिंग है, जो हम मैं और हमारी टीम हम लोग खुद भी यूज कर रहे होते हैं क्योंकि हम एक्सेसर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें आईओटी जो डिवाइसेस है, वहाँ पर एक डिवाइस वेंडर है एलएचआर, तो वो क्या करती है, एलएचआर की डिवाइसेस जो भी व्हीकल्स में इंस्टॉल्ड होती हैं तो वो हमारे पास मैसेजेस भेज रहे होते हैं, और जो हमारे क्लाइंट है उनके पास एलएचआर पार्सर एक लगा हुआ है, वो पार्सर उस मैसेज को पार्स करके एक्टिव एमक्यू में इंसर्ट कर देता है। ठीक है। अब हमारे पास जो है ना कंज्यूमर है, वो लोग प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे पास भी एक एप्लीकेशन है जो कि उस क्यू से मैसेज कंज्यूम कर रही होती है। लेट्स से एप्लीकेशन हमारी डाउन हो गई, किसी भी वजह से क्रैश हो गई, या वो उसका डाउन टाइम था, अपडेट होनी थी, तो अब हम क्या करेंगे, अगर सिंक्रोनसली डेटा वो लोग हमें भेज रहे होते डायरेक्टली, तो हमारी एप्लीकेशन जब तक डाउन होती तब तक हमारे मैसेजेस जो थे डेटा हमारा लॉस हो रहा होता। तो यहाँ पर मैसेज ब्रोकर को यूज इसीलिए किया गया कि मैसेज हमारे लॉस ना हो, जब तक हमारी एप्लीकेशन डाउन है मैसेज क्यू में ऐड होते जा रहे हैं, लॉस नहीं हो रहे, और जैसी हमारी एप्लीकेशन अलाइव होगी तो वो फिर से उसको मैसेजेस को पुल करना शुरू कर देगी और हमारे कोई भी मैसेज यहाँ पर लॉस नहीं होगा। तो ये हमारी कुछ यूज केसेस थे जिसमें हम एक्टिव एमक्यू को यूज कर सकते हैं, और जो लास्ट वाला था इसमें तो हम ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं, बाकी तो दो एग्जाम्पल थी, एक तो हम जो थर्ड है वो हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है। सो इसमें हमें बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं जो कि हमने डिस्कस किया अभी, कि लूज कपलिंग हो रही है एप्लीकेशन के बीच में, क्योंकि ब्रोकर एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है, सॉरी मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर के तौर पे एक्ट कर रहा है, जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है डेटा को सेव करने के लिए, और रिलायबिलिटी भी इसमें हमें बहुत ज्यादा मिल रही है क्योंकि मैसेज परसिस्टेंसी जो है ना वो हम इसमें अचीव कर रहे हैं थ्रू ब्रोकर, और उसमें ये होता है कि जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उसमें मैसेज लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, मैसेज परसिस्टेंट रहता है, मैसेज स्टे करता है हमारे पास स्टोरेज के अंदर, वेदर के हमारे पास ब्रोकर खुद डाउन हो जाए या एप्लीकेशंस डाउन हो, तो मैसेज हमारे पास स्टे करेगा।
और ड्यूरेबिलिटी भी है इसमें, कि जैसे मैंने आपको बताया कि सब्सक्राइबर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ड्यूरेबल, उसमें ड्यूरेबल सब्सक्राइबर्स भी होते हैं, यानी अगर कोई चीज टॉपिक पे भी कोई मैसेज आता है और जो सब्सक्राइबर था उसका वो ऑफलाइन था, तो वो भी जब ऑनलाइन होगा तो उसको भी मैसेज मिल जाएगा। सही। अच्छा, इसका ये एक्टिव एमक्यू की जो कंसोल एप्लीकेशन है हमारे पास, ये इस तरह दिखती है, और मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन शेयर हो रही है पास, क्रोम शेयर हो रहा है, नहीं, ये क्रोम बता की सक। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अच्छा, 1 मिनट, पावर पॉइंट की स्क्रीन आ रही है अभी। जी अब हो गई होगी। जी, अब हो। ठीक है, एक्टिव एमक्यू का जो वेब पोर्टल है वो इस तरह कुछ दिखता है हमारे पास, और इसमें जो है हम देख सकते हैं कि इसमें क्यूज हैं, तो ये क्यूज क्रिएट की गई थी टेस्टिंग के लिए हमने, और कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पास, तो इसमें देखें सब्सक्राइबर्स की टाइप्स हैं, ड्यूरेबल सब्सक्राइबर हैं, नॉन ड्यूरेबल हैं, तो अभी मैंने इसमें सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी नॉन ड्यूरेबल, तो और इसमें हम मैसेज सेंड भी कर सकते हैं क्यू में, टॉपिक में, तो इसमें जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि हेडर में क्या क्या चीजें होती हैं, ये इसका हेडर होता है और ये इसकी बॉडी होती है हमारे पास, तो हेडर में हम डेस्टिनेशन डिफाइन करते हैं कि किस क्यू में ये मैसेज जाएगा या किस टॉपिक पे, यहाँ से हम टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और डिलीवरी उसकी परसिस्टेंट होगी या नॉन परसिस्टेंट होगी, ये भी इसमें दी हुई है चीज, और किस क्यू पे उसका रिप्लाई आना है, और काफी सारी और भी प्रॉपर्टीज हैं, हमने सारी तो यूज नहीं की, जो जो यूज किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी ये है कि बाकी इसमें बॉडी है, यहाँ पे जो भी आपको चीज डालनी होगी, जो भी टेक्स्ट वगैरह, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर हम यहाँ से सेंड कर देंगे, तो वो जो है अगर आपने क्यू का लिंक दिया होगा तो वो क्यू में आ जाएंगी चीजें, जैसे कि ये इसमें पेंडिंग मैसेजेस ये हैं कंज्यूमर्स, अभी कोई कंज्यूम नहीं कर रहा तो वो आप देख सकते हैं मैसेज परसिस्ट कर रहे हैं, दो हैं, तो ये जैसे कंज्यूम होगा मैसेज यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो ये है इसका एक एप्लीकेशन का छोटा सा ओवरव्यू। अब हम एक क्या करते हैं कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी जिससे हम जो है किसी भी क्यू में कोई मैसेज भेज सकते हैं, ऐसी टेस्टिंग एप्लीकेशन है, इसमें हम फॉर सपोज यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ भी क्यू का और कोई मैसेज दे देते हैं, तो हम देखते हैं ये जाता है यहाँ पे या नहीं, इसको हम पहले ब्रोकर से कनेक्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पे एक क्यू बन जाना चाहिए इस नाम से, तो आप देख सकते हैं कि एक क्यू बन गई है और उसमें एक मैसेज है, अगर हम इसको फर्दर ओपन करेंगे तो ये एक मैसेज आ रहा है, और इसको खोल के देख सकते हैं मैसेज में आया क्या हमारे पास, तो टेस्ट मैसेज हमने वहां से भेजा था तो ये टेस्ट मैसेज आ रहा है इसके अंदर, और ये इसकी मैंने जैसे बताया था कि बाय डिफॉल्ट परसिस्टेंस जो है वो ट्रू होती है, तो ये परसिस्टेंट मैसेज है, ये स्टे करेगा जब तक कोई भी कंज्यूमर जो है इसको कंज्यूम नहीं कर लेता। ठीक है, ठीक है, ये एक्टिव एमक्यू का एक ओवरव्यू था छोटा सा।